हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपकी के चैनल नो लॉस हेजिंग में। आज हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं निफ्टी की मंथली स्ट्रेटेजी जो कि वर्किंग पीपल के लिए होने वाली है। जैसा कि आपको पहले भी पता है, मैंने काफी वर्किंग पीपल स्ट्रेटेजी डाली हुई है, लेकिन कमेंट्स में मुझे काफी आ रहे थे कि निफ्टी के लिए एक वर्किंग पीपल स्ट्रेटेजी और डालिए, तो मैं उसके लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वर्किंग पीपल स्ट्रेटेजी के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि एक तो हमें मार्जिन कम लगे और एडजस्टमेंट करना ना पड़े। स्ट्रेटेजी में आपको बिल्कुल एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसका मेन बेनिफिट यही है कि आपको एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा और इसमें आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा वो भी आपको 80,000 के समथिंग लगेगा, जो कि काफी कम है। और इस स्ट्रेटेजी के मेन पॉइंट क्या है, जब आप ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करोगे, ठीक है, तो उस टाइम पे जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाएगा वो 8,000 के समथिंग दिखाएगा और जो मैक्सिमम लॉस दिखाएगा वो दिखाएगा आपको 2,000 के समथिंग। लेकिन ये 2,000 को कैसे हम जीरो करेंगे वो हम आगे इस वीडियो में चेक करेंगे, किस तरीके से हम इसको नो लॉस में कन्वर्ट करेंगे। अभी स्ट्रेटेजी में मेन पॉइंट क्या है, क्या ये हमें स्ट्रेटेजी है एक्चुअली में, वो हम देख लेते हैं। तो स्ट्रेटेजी के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारा एटीएम प्राइस चल रहा है, ठीक है, प्राइस जो चल रहा है जैसे 19,330 चल रहा है, तो उससे हमें अप्रोक्स 100 से 150 पॉइंट नीचे जो भी हमारा पुट रहेगा, ठीक है, वो एक लॉट बाय कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो हमने स्ट्राइक प्राइस बाय किया है उससे अप्रोक्स 200 पॉइंट नीचे एक लॉट क्या कर देना है, हमको सेल कर देना है। और जो लॉट सेल किया है हमने जो स्ट्राइक प्राइस, उससे 200 पॉइंट नीचे हमें अगेन क्या करना है, एक लॉट फिर से सेल करना है। और जो आपने सेल किया करंट प्राइस उससे 100 पॉइंट नीचे आपको एक लॉट बाय कर लेना। तो ये स्ट्रेटेजी कुछ हमारी इस तरीके की रहेगी। अब ये स्ट्रेटेजी में पे ऑफ कैसे दिखेगा, कैसे हम इसको जीरो लॉस में कन्वर्ट करेंगे, कब हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे आगे, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। अभी पहले एक बार चलते हैं ऑपस्ट्रा में, किस तरीके से स्ट्रेटेजी दिखेगी वो एक बार चेक कर ले। तो चलिए चलते हैं ऑपस्ट्रा। अभी हम आ गए ऑपस्ट्रा में, यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मंथली है और इसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया करंट 19,200 का हमें क्या करना है, एक पुट हमें बाय करना है जैसा कि मैंने बताया था। तो उसके बाद क्या करना है आपको, 19,200 से 200 पॉइंट नीचे तो कौन सा हो गया, 19,000 का हमें एक लॉट पुट सेल करना है। और इसके बाद अगेन हमें इससे नीचे 200 पॉइंट नीचे तो कितना हो गया, 18,800 का पुट एक और लॉट सेल कर देना है हमें इसमें। उसके बाद क्या करना है, इससे अप्रोक्स 100 पॉइंट नीचे 18,700 पुट एक सेलेक्ट कर लिया, इसमें हमें एक लॉट बाय कर ले। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी बन जाएगी। अब इसमें देखते हैं, अब हमारी कुछ ये स्ट्रेटेजी इस तरीके की दिखेगी, ये हमारी कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी। इसमें क्या है, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है 38,000 के समथिंग दिखा रहा है, लेकिन मैंने 80,000 बताया वो किस लिए बताया है वो भी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें जो मैक्सिमम लॉस है जो मैंने बताया था वही आपको दिख रहा है, 8,000 के समथिंग का प्रॉफिट है, 1,700 के आसपास का लॉस है। अब इसमें जो प्रॉफिट होगा आपको, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज इससे ऊपर ये आपकी रेंज है, इसमें आपको लॉस होने वाला है। लेकिन ये 1,700 का लॉस भी आपको कब होगा, जब ये एक्सपायरी रहेगी आपकी 27 जुलाई की, जब ये एक्सपायरी होगी तब आपको ये लॉस होने वाला है। तो एक बार हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि आखिर हमें स्ट्रेटेजी कब बनानी है, कैसे क्या एडजस्टमेंट करना है, कैसे इस लॉस को जीरो करना है। तो चलिए एक बार स्टॉक मॉक में चलते हैं और मैं आपको लास्ट मंथ का बैक टेस्ट करके दिखाता हूं। अभी हम स्टॉक मॉक में आ गए हैं, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमें स्ट्रेटेजी बनानी का है। ये स्ट्रेटेजी बनानी है हमें जब आपकी मंथली एक्सपायरी होगी, जैसे मई की मंथली एक्सपायरी 25 को हुई थी, तो हमें 26 को बनानी है अप्रोक्स 3:20 के आसपास, उससे पहले नहीं बनानी है। 3:20 को हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ हमने निफ्टी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ मंथली सिलेक्ट कर लिया क्योंकि नेक्स्ट मंथ के लिए बना रहे हैं, तो जून का ले। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा प्राइस चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है, मतलब जो हमारा स्पॉट प्राइस है 18,500 चल रहा है, तो मैंने क्या किया, उससे नीचे का एक लॉट बाय कर लिया हाफ पुट का, और उससे नीचे क्या करूंगा, मैं एक लॉट सेल करूंगा 200 पॉइंट दूर का, और उससे फिर अगेन 200 पॉइंट दूर का सेल करूंगा, फिर क्या करूंगा एक लॉट बाय कर लूंगा। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी कुछ हो जाएगी, 8,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, मैक्सिमम लॉस ये दिखा रहा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट 50,000 के समथिंग दिखा रहा है, लेकिन उससे कम ही लगेगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इतना दिखा रहा है, रिस्क रिवार्ड काफी अच्छा लगे, 2,000 के आसपास आपको लॉस है और 8,000 के समथिंग आपको प्रॉफिट होगा। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी हो गई। अब इसमें हमें, मैंने जैसे मैंने बताया था आपको कि आपको इसमें एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, लेकिन मैंने मार्जिन बताया था आपको 80,000, वो किस तरीके से लगेगा और एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या नहीं रहेगी। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी दिन का जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं वही सिलेक्ट कर रहा हूँ 26 तारीख का एक्सपायरी से अगले दिन का, 3:20 में सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से निफ्टी सिलेक्ट कर लिया, 28 जून सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऊपर साइड का मेरा लॉस था उसको मैं कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, एक ऊपर की साइड में सेम स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की साइड में एक कॉल बाय कर लिया मैंने 18,700 का, और 900 का मैंने एक सेल कर दिया है और एक अगेन सेल कर दिया, और उसके बाद एक और बाय कर। जैसे ऊपर साइड का प्रीमियम कुछ डिफरेंट रहेगा, उसकी वजह से आपको रिस्क रिवार्ड उतना नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या 3,000 का रिस्क है, उसके बाद आपको प्रॉफिट
करोड़ है 6,000-7,000। लेकिन अब हमारी जो स्ट्रेटेजी हो गई, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। तो हम देखते हैं एक बार इसको आगे फॉरवर्ड करके, वीक बाय वीक करते हैं किस तरीके से दिखाता है। पहले मैं इसको आधा आधा घंटा किया है, अभी इसको भी मैं आधा आधा घंटा कर लेता हूँ, ये हो गया। अभी डेली वाइज करेंगे हम इसमें, अभी मंडे चल रहा है, मैं क्या करता हूँ इसका ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे तक ले आया, इसमें 440 रुपए का लॉस हो रहा है। अब इसको आगे चलते हैं ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे इसमें क्या हो रहा है आपको 500 रुपए का प्रॉफिट चल। तो ओवरऑल आप अभी कॉस्ट टू कॉस्ट है। अभी जैसे मैं आगे और चलता हूँ इसको ट्यूजडे वेडनेसडे आगे फॉरवर्ड किया मैंने, अभी आगे हम अगले थर्सडे पे आ गए, तो यहाँ पे करंटली क्या आपको 1100 रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन इसमें हम अगर जाएंगे जैसे फ्राइडे के बाद आगे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, तो यहाँ पे क्या हो गया आपको 1700 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी क्या हो गया आप ओवरऑल प्रॉफिट में आ गए। आपको एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं पड़ी, ना ही आपको पड़ेगी इसमें। आगे मैं और फॉरवर्ड करता हूँ इसमें, नेक्स्ट एक्सपायरी पे ले जाते हैं वीकली पे, क्या दिखाता है थर्सडे पे आगे। अभी आपको देखो आपका लॉस यहाँ पे बढ़ गया, 1400 रुपए का लॉस दिखा रहा है, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है इसमें एक बार चेक कर लेते हैं हम, ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे यहाँ पे क्या है आपको 2100 रुपए का प्रॉफिट दिखा है और यहाँ पे 1400 रुपए का लॉस। ओवरऑल अब क्या है प्रॉफिट में है। तो हम और आगे चलते हैं, एक बार फॉरवर्ड करते हैं ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, ये हम 22 जून आ गए, एक्सपायरी हमारी 28 की। अभी हमारा 1800 रुपए का लॉस चल रहा है इसमें, और इसमें भी आगे करके देखते हैं इसमें कितना प्रॉफिट है क्या लॉस है, चेक कर लेते हैं इसमें। देखिए इसमें 3000 के समथिंग का प्रॉफिट है और यहाँ पे 1800, तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी का बेनिफिट यही है, आपको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं और आगे फॉरवर्ड करता हूँ इसमें 26-27, ये आगे हम एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन मैं आगे तक ले जाता हूँ इसमें, कितने का लॉस दिख रहा है इसमें 3 बजे के समथिंग, ठीक है 3 बजे के समथिंग इसमें कितना है 1980 जो कि इसमें मैक्सिमम लॉस था, 1980 तो इसमें हो गया हमें लॉस। अब इसके बाद एक बार इसमें देख लेते हैं कितना लॉस दिखाता है 27-28, ये आगे हम एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन में ले जाता हूँ इसको लास्ट एंड तक, तो लास्ट एंड में इसमें हमें प्रॉफिट दिखा रहा है अप्रोक्स 6900 के समथिंग प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या है आपको 1900 का लॉस दिखा रहा है। तो मतलब आपको 5000 के समथिंग प्रॉफिट हो गया, और आपका कैपिटल कितना लगा था इसमें, आप टोटल कैपिटल लगेगा आपका 80,000 के समथिंग, और उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट अच्छा हो गया, आपको एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट आता है कोई स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।